नमस्कार दोस्तों, हैदराबाद के हाथों मिली दूसरी हार के बाद टूट गया हार्दिक पांड्या का घमंड। रोहित के लिए नीता अंबानी ने सरेआम लगाई हार्दिक पांड्या की क्लास। पांड्या की इस बेवकूफी की वजह से मुंबई इंडियन को मिली इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार। शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने की थी हार्दिक पांड्या को समझाने की कोशिश, लेकिन हार्दिक पांड्या ने नहीं मानी बात। घमंड में चूर चूर होकर शुरुआत में अनुभवहीन गेंदबाजों को सौंपी जिम्मेदारी। हाथ मलते रह गए जसप्रीत बुमराह। कप्तानी के टेस्ट में दूसरी बार फेल हुए हार्दिक पांड्या। सबसे खराब कप्तानी का कलंक लगा हार्दिक पांड्या पर। गुस्से में अंबानी परिवार। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की मिली सजा। अब बदल जाएगा कप्तान। हैदराबाद के स्टेडियम में 38,000 दर्शकों के बीच जिस तरह की बेइज्जती मुंबई इंडियन की हुई, ऐसी बेइज्जती अब तक आईपीएल के इतिहास में कभी भी किसी दूसरी टीम की नहीं हुई। नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को कप्तान क्या बनाया था कि उसकी इस बार ऐसी सजा मिली कि अब की बार अंबानी परिवार एक बार फिर सोच रहा है कि हार्दिक पांड्या जैसा कप्तान बना दिया। हार्दिक जब से कप्तान बने हैं, जब से टीम का बेड़ा गर्त हो रहा है। पहले हार्दिक पांड्या को इस बात के लिए घमंड चूर हो रहे थे कि वे रोहित शर्मा को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हार्दिक ने खुद अपने हाथों से मुंबई इंडियन को अपने हाथों से हरा दिया। इस मैच के सबसे बड़े हार के जिम्मेदार पांड्या क्यों है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि नीता अंबानी से जरूर गलती हुई है। पहले मुकाबले में मुंबई को गुजरात से हार मिली थी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को लगा था कि सनराइज हैदराबाद तो कमजोर टीम है, इसे तो आसानी से हराया जा सकता है। जैसे ही हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, उन्होंने हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर बुला लिया। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि कभी भी हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी के मोर्चे पर ताकतवर नहीं मानी जाती रही है। पांड्या के दिमाग में यही चल रहा था कि इस बार सनराइज हैदराबाद को 150 रन के स्कोर के आसपास हैदराबाद को रोक दिया जाएगा, लेकिन हैदराबाद ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और हार्दिक पांड्या सोच रहे थे कि 150 रन के टारगेट तक मुंबई आसानी से जीत हासिल कर लेगा। हार्दिक ने कहा था कि पिच पर कुछ खास नहीं है और हम शुरुआत में विकेट निकाल लेंगे। सनराइज हैदराबाद के लिए कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मयंक अग्रवाल जल्दी ही आउट होकर पेवेलियन देखते बने, तब ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने बढ़िया फैसला लिया है, मगर इसके बाद जो तूफान सनराइज हैदराबाद ने ला दिया, वैसा तूफान आईपीएल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज तक कभी नहीं हुआ। हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मुंबई के बड़े से बड़े गेंदबाज की जमकर कुटाई की और अपने इरादे साफ कर दिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने मात्र 24 गेंदों पर 62 रन की तूफानी पारी खेली। हेड की इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद वो आउट हो गए। इसके बाद जैसे ही बारी अभिषेक शर्मा की आई, तो उन्होंने ट्रेविस हेड से भी खतरनाक बल्लेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते सनराइज हैदराबाद का स्कोर बढ़ता चला गया और अभिषेक शर्मा ने मात्र 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए ट्रेविस हेड का 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनराइज हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने मात्र 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 23 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे। और पिछले मैच के हीरो रहे हेनरिक क्लासेन ने भी हैदराबाद में तूफान ला दिया। उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर ताबड़तोड़ 80 रन ठोक डाले और छक्कों का तूफान ला दिया, जिसमें उन्होंने 7 छक्के लगाए। जबरदस्त बल्लेबाजी की दम पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने 277 रन बना दिए। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियन के रोहित शर्मा और ईशान किशन जब मैदान पर उतरे, तो ऐसा लग रहा कि सनराइज हैदराबाद का स्कोर कम पड़ जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा भी सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाजों की स्टाइल में खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने सिर्फ 12 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने आग उगलते हुए 13 गेंदों पर 34 रन बना लिए। जबकि तिलक वर्मा का असली तूफान आया, उन्होंने मैच में 34 गेंदों में 64 रन बना डाले। इसके बाद टिम डेविड ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और 22 गेंदों में 42 रन बना लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या की धीमी शुरुआत की वजह से मुंबई इंडियन इतने बड़े स्कोर तक पहुंच नहीं पाई। को जरूरत थी तेजी से रन बनाने की, जब हार्दिक पांड्या धीरे धीरे टेस्ट मैच खेल रहे थे। यही वजह रही कि
हर कोई हार्दिक पांड्या को कोस रहा है, लेकिन आपको बता दें कि गेंदबाजी के मोर्चे में भी अच्छे फैसले नहीं लिए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछले मैच की तुलना में इस बार हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से सलाह लेते नजर आए, लेकिन कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट हार्दिक से काफी ज्यादा नाराज है और उन्हें किसी भी वक्त कप्तानी से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बार मुंबई इंडियन की हैदराबाद के हाथों मिली हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।